सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा, आज जनेश्वर मिश्र पार्क तक चलाएंगे साइकिल। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, राम मंदिर भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर करेंगे पूजन। डिप्टी सीएम का रायबरेली आगमन, आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। कैब ड्राइवर का साथ देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत आई सामने, कहा देश की जनता का प्यार कैब चालक के साथ। औरैया में रडार वाहन से की गई चेकिंग, हाई स्पीड वाहनों की काटे गए चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद संभल की असमोली विधानसभा 32 में आम जनता पार्टी द्वारा एक सभा और सदस्यता कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष, मॉनिटरिंग विंग और यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान के मुरादाबाद मंडल प्रभारी शकील मलिक उपस्थित रहे हैं। सभा और कैंप का आयोजन जिला अध्यक्ष काशिफ खान संभल 33 विधानसभा संभल प्रभारी के द्वारा किया गया है। सभा चौधरी मोटर्स असमौली पर आयोजित हुई है, जिसमें जिला संभल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का पूरा सहयोग रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? आपको बता दूं, जनपद संभल के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले भर में अभियान चला रही है और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रदेश में बात की जा रही है और जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। जी, आज इस तरह से बताया गया कि कैंप का आयोजन जिला अध्यक्ष काशिफ खान और संभल 33 विधानसभा संभल प्रभारी के द्वारा किया गया, और कौन लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं? काफी संख्या में जो लोग रहे हैं वहां पे, और जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है, बोले कि हमें जो दिल्ली का मॉडल दिया जाएगा और बिजली फ्री और पानी फ्री और प्रदेश यूपी के लिए दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष, मॉनिटरिंग विंग और यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान के मुरादाबाद मंडल प्रभारी शकील मलिक वहां पर उपस्थित रहे, और सभा और कैंप का आयोजन जिला अध्यक्ष काशिफ खान संभल 33 विधानसभा संभल प्रभारी के द्वारा किया गया, और सभा चौधरी मोटर्स असमोली पर यह आयोजित की गई है, जिसमें जिला संभल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का इसमें पूरा सहयोग देखने को भी मिला है। वही कैब ड्राइवर का साथ देने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी सामने आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने युवती को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि लड़ने का शौक है तो खली से जाकर लड़ो, देश की जनता का प्यार कैब चालक के साथ है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। हाय गाइस, आई एम राखी सावंत, दिस इज शेम ऑन दैट गर्ल, के लड़के है तो कोई भी फायदा उठा लेगी, बेकसूरवारों को मारेगी। जो वो उबेर या ओला का पता नहीं किसका ड्राइवर था, उसको पकड़ पकड़ के मारी है। अरे तुझे कराटे खेलने का इतना शौक है, खली है ना द ग्रेट खेली, मेरा भाई, उससे आके तू दो दो हाथ कर। तू नया नया कराटे सीखी है या ना, नया नया फौज में एंट्री ली है तूने, तो बेकसूरों को क्या मारती है? आ तू मेरे सामने आ, मैं तेरी टांग हाथ तोड़ दूंगी। बेकसूर इंसान को, ड्राइवरों को क्यों मारती है? हाँ क्यों मारती है? शेम ऑन यू, खली का एक हाथ पड़ेगा ना तुझे, गिर जाएगी नीचे। लड़की है, लड़की के लिए कानून बनाया है तो उसका फायदा मत उठाओ। वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर लखनऊ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक लड़की सड़क पर एक कैब ड्राइवर को मारते हुए नजर आ रही थी। जुलाई के इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इस लड़की का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो मोहल्ले वालों से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। पहले भी थप्पड़बाज लड़की का वीडियो वायरल हो चुका है।
तो आपको बता दें कि इस वीडियो में एक लड़की सड़क पर एक कैब ड्राइवर को मारते हुए नजर आई थी। 30 जुलाई की इस घटना का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और अब इसी लड़की का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो मोहल्ले वालों से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं औरैया में परिवहन और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे पर रडार चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत विभागीय अधिकारियों ने तेज रफ्तार वाले 7 वाहनों के चालान काटे। वहीं पीटीओ रिहाना वाहनों ने बताया है कि रडार चेकिंग करने वाला पूरे जोन में एक वाहन है जो वर्तमान में औरैया को मिला है, जिसके तहत अभियान चलाकर हाई स्पीड वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं यातायात प्रभारी देवेंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि अभियान आगामी दिनों में ही चलाया जाएगा, जिससे हाईवे पर तेज रफ्तार की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और इस मौके पर ARTO भी मौजूद रहे हैं। इसको हम लोगों ने NH19 में चलान किया है, पूरे 7 चलान हुए हैं, भारी वाहन और कार को मिलाकर, और जिसमें कि छोटे वाहन का जुर्माना 2,000 रुपये है और बसों का और ट्रकों का जुर्माना 4,000 रुपये है। ये चालान कहाँ का किन किन रूटों को दिए गए? हमने मेन हाईवे पे और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, आपसे जानना चाहेंगे ये जो औरैया जिले में रडार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसका मोटिव है और किस तरह से आखिर ये अभियान चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये अभियान जो है एक्चुअली विभाग के द्वारा चलाया गया है। आए दिन सड़क पे हादसे हो जाते हैं हाई स्पीड के द्वारा, उन हादसों को रोकने के लिए रडार कैमरे लगाकर उनकी निगरानी की जाती है, उनकी स्पीड को कैप्चर करके उनको उनका ई चालान भी किया जाता है और इस वाहनों की स्पीड रोकने के लिए ये रडार द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें PTO मैडम रिहाना वाहनों ने इसमें कल कई वाहनों का आज सुबह कई वाहनों का चालान किया हुआ है और उनको हिदायत दी कि आप स्लो मौसम में गाड़ी चलाएं। जी आजाद जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हाई स्पीड के चलते कई बड़े हादसे भी होते रहते हैं और ऐसे में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा रडार वाहन चेकिंग अभियान ये चलाया गया है, इसमें बताया गया जैसे कि 7 वाहनों के चालान काटे गए, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है? प्रशासन रोज अभियान इस तरीके का चला रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और शहर में आए दिन कोई ना कोई अभियान चलता रहता है, जिससे रोकथाम के लिए काफी प्रशासन जागरूक है। जी जाहिद, क्या लगता है जिस तरह से ये जो अभियान चलाया गया, आने वाले समय में किस तरह से जो बड़ी सड़क दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं, किस तरह का अब ये सब रोका जा सकता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभियान चलाने से काफी लोगों में जागरूकता फैलेगी, लोगों को जगह जगह चेकिंग होगी जिले बाई जिले, तो लोगों में भय भी होगा कि आगे चेकिंग लगी है तो स्लो मौसम में गाड़ी चले, ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो ऑनलाइन चालान भी हमारा कट सकता है, तो उसमें काफी सुधार आएगा। जहां पर हाई स्पीड वाहनों के चालान काटे गए हैं और इसी पूरे मामले पर PTO रिहाना ने बताया है कि रडार चेकिंग करने वाले पूरे जोन में एक ही वाहन है जो वर्तमान में औरैया को मिला है और इसी के तहत अभियान चलाकर हाई स्पीड वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं यातायात प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने यह बताया है कि अभियान आगामी दिनों में भी चलाया जाएगा, जिससे कि हाईवे पर तेज रफ्तार की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और इस मौके पर ARTO भी मौजूद रहे हैं। वहीं औरैया जिले के एरवा कटरा में पहली बार किसी अधीक्षक के ने नाम रोशन किया है। एरवा कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम पहली बार कायाकल्प अवार्ड में आया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मोहित कुमार के कुशल निर्देश पर समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की वजह से नाम रोशन किया गया है और इस मौके पर कई लोगों ने माल्या अर्पण कर उनका जोरदार स्वागत भी किया है। तो औरैया से ये खबर बता रहे जहां पर कायाकल्प पुरस्कार में पहली बार नाम दर्ज किया गया है। ये मामला एरवा कटरा क्षेत्र का है जहां पर अधीक्षक ने पहली बार नई पहल की और उनका नाम रोशन हुआ है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम पहली बार कायाकल्प अवार्ड में शामिल हुआ है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मोहित कुमार के कुशल निर्देश पर समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की वजह से ये नाम रोशन किया गया और इस मौके पर कई लोगों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत भी किया है।
देखिए, ये जो कायाकल्प योजना में 135वां नंबर हमारे अस्पताल का आया है। कुल मिला के 215 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इसमें से पूरे प्रदेश भर में, जिसमें कि अपने ज़िले से 3 अस्पताल आए हैं। एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 42वां नंबर आया है कायाकल्प योजना के तहत। 89 नंबर जो 89 नंबर है वो अजीतमल CSC को मिला है, और 135वां नंबर पहली बार एरवा कटरा को कायाकल्प में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए ब्लॉक परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें सुरसोत ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान लालता प्रसाद यादव को नगवा ब्लॉक के प्रधानों ने प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना है। बता दें कि लालता प्रसाद यादव पूर्व में भी इस ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद लालता यादव ने बताया है कि जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए वो सबके आभारी हैं, और साथ ही जो भी प्रधान मित्रों की समस्या होगी उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। तो लालता प्रसाद यादव प्रधान संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि लालता प्रसाद पूर्व में भी नगवा ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद लालता प्रसाद यादव ने यह बताया है कि जो भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए वो सभी के आभारी हैं। साथ ही साथ जो भी प्रधान मित्रों की समस्या होगी उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के सांगा ठेड़ा गांव में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेम प्रसंगों में विफल रहने के बाद प्रेमी ने पहले तो अपनी प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। तो ये खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सांगा ठेड़ा गांव में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी है। बता दें कि प्रेम प्रसंगों में विफल रहने के बाद प्रेमी ने पहले तो अपनी प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। देखिए, ये मामला जो है थाना गंगो क्षेत्र का है, जिसमें एक गांव पड़ता है सांगा टेढ़ा में एक कल रात की घटना है, जिसमें कि एक सूचना मिली थी हम लोगों को कि एक लड़की का जो है उसको गोली मार दी गई है, और उसी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर जब लड़की को देखा तो उसको अस्पताल पहुंचाया गया, और जो वहां के उनके परिवार वालों ने बताया कि एक लड़का जो घर में आया था उसने वो लड़की को गोली मारी थी। उसके बाद हमने लड़के की तलाश करी तो 2 घंटे बाद वो लड़का जो है गांव के बाहर एक खेत में ट्यूबवेल के पास उसकी डेड बॉडी मिली, और देखने से प्रतीत यह हुआ प्रथम दृष्टया कि उसने खुद को गोली मारकर अपने सुसाइड किया है। इस पर हमने जो लड़की की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम भिजवा दिया है, और लड़की अभी हॉस्पिटल PGI शिफ्ट करा दी गई है, और इसमें आगे जो है पूरी वैधानिक कार्रवाई। इसी बीच रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम का रायबरेली आगमन आज है। आपको बता दें कि PWD गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं PM अन्न महोत्सव कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। शहर के फिरोज गांधी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी CM का आज रायबरेली आगमन होने वाला है, और वहां पर PWD गेस्ट हाउस में वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, और साथ ही साथ PM अन्न महोत्सव कार्यक्रम की भी डिप्टी CM शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि शहर के फिरोज गांधी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से, साइकिल यात्रा को लेकर जगह जगह पर तैयारियां पूरी हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये साइकिल यात्रा है। आपको बता दें कि प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर साइकिल रैली आज निकाली जाएगी। इंजीनियर सचिन यादव ने भारी संख्या में साइकिल रैली निकाली है। वहीं तहसील स्तर पर सफाई पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। तो विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सपाज साइकिल यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर चुकी है, क्या कुछ वहां से अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है फिरोजाबाद से प्रत्येक विधानसभा से भारी संख्या में साइकिल से रैली निकालने में जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं देखने की बात तो ये होगी कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल पर ये महंगाई के जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, उस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग जो मतलब सरकार जो तानाशाही चला रही है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि जो गरीब किसान है उसके हित के लिए ये साइकिल रैली का जो आयोजन किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालने की पूरी तैयारी में और वो पार्टी कार्यालय भी पहुंच चुके हैं जहां से वो अपना संबोधन दे रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे वहां और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 450 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा, और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो बड़ा काम हो छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधों का स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करती रहेगी। अभी विज्ञापन में बड़े पैमाने पर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस किस चीज में आगे है और नंबर वन है। अगर सही मायने में हम और आप हिसाब किताब लगाएं और सही आंकड़ों को देखें तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है, कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर एक पर है। गंगा में लाश बहाने के मैं नंबर वन, गंगा के किनारे दफन के किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने के में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पड़ जाने में भी नंबर वन, उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर वन, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में नंबर वन, माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर वन, महिला शिक्षा में नंबर वन, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर वन,
उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर वन, कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर वन, झूठ बोलने में नंबर वन। फिर दोबारा बोल दूं मैं, असुरक्षा में, और वो सुरक्षा कैसी कर रहे हैं वो भी आपको पता है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चों में नंबर वन उत्तर प्रदेश, गंगा में लाशें बहाने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, लाशों के रेत में दफन करने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, चिताओं के जलने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ तीन बताने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलाने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, महिला असुरक्षा में नंबर वन उत्तर प्रदेश, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर वन उत्तर प्रदेश, कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर वन नंबर वन। ये तो अभी शुरुआत है, कई चीज़ों में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस साइकिल के कार्यक्रम में आने के लिए। आज फिर एक बार हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, साथ ही साथ हम अपने नेता जनेश जी को याद करते हैं। आज पार्टी कार्यालय से लेकर के हम सभी कार्यकर्ता उनको याद करते हुए उनके पार्क तक जाएंगे। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा, जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाए थे, आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज़ उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले मुझे नहीं पता है, शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि वो आज वो जहाँ कहीं भी हों आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है, तो कोई से पास कर ले उसमें नंबर वन। और कोई बात हो तो बता दो। वहाँ पर प्लॉट कटने वाले थे, वो रियल इस्टेट वैल्यू उसको क्रिएट कर रहे थे, रियल इस्टेट से हमने उसमें पार्क बनाया। और वाकई कोर्ट में जब इस बात पे पीआईएल हुई तो कितने पेड़ लगेंगे, संख्या क्या होगी, वो पूरी हमें दी गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बादी की है, नौकरी में, और वो सुरक्षा क्या आपको पता है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चों में नंबर वन उत्तर प्रदेश, गंगा में लाशें बहाने में नंबर वन
उत्तर प्रदेश गंगनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश रेत में दफन करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश सामग्रियों को बिना इलाज के मारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दबोचों की बलि देने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक मौत को सिर्फ तीन बताने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से नंबर वन, उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर वन, उत्तर लोगों को जेल डालने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर वन, प्रदेश महिला असुरक्षा में नंबर वन, उत्तर प्रदेश विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर वन, प्रदेश कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर वन, नंबर वन। ये तो अभी शुरुआत है, कई चीज़ों में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया है भाजपा पार्टी की सरकार ने। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस साइकिल के कार्यक्रम के लिए। आज फिर एक बार हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। साथ ही साथ हम अपने नेता जनेश जी को याद करते हैं। आज कार्यालय से लेकर के हम सभी कार्यकर्ता उनको करते हुए उनके पार्क तक जाएंगे। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा, जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाया आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस रोजिस्ट से मिले हैं, किस डॉक्टर से मिले हैं मुझे नहीं पता है, शायद वो डीएनए भी नहीं जानते क्या डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो हाँ कहीं भी हों आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। तो कोई बात नहीं, नकल से पास कर ले उसमें नंबर वन। और कोई बात हो तो बता दो। तो सपा कार्यालय से अखिलेश यादव अपना संबोधन दे रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा सरकार की जो अनियमितताएं हैं वो सामने आई हैं और हर एक चीज में कहां कहां पर भाजपा सरकार नंबर वन है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो। रुक करते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के सदर बाजार पुलिस और एसओजी टीम ने एम्बुलेंस में तस्करी कर ले जा रही हरियाणा मार्ग का शराब की भारी खेप पकड़ी है। एम्बुलेंस ने शराब की तस्करी करते हुए 5 अंतरजनपदीय शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एम्बुलेंस में भरकर हरियाणा से बिहार अंग्रेजी शराब ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने 10 लाख रुपए सहित 71 पेटी अंग्रेजी शराब, एम्बुलेंस और कई चीजें भी बरामद की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। मुखबिर के माध्यम से एसओजी को एक सूचना मिली कि एक एम्बुलेंस जिस पे पूर्वांचल का एक नंबर लगा हुआ है और उसके साथ में एक बोलेरो है जो हरियाणा नंबर की है, इसके माध्यम से ये शराब की तस्करी हरियाणा से बिहार की तरफ की जा रही है। ये रात में निगोही बाईपास से होकर गुजरेगी। इस सूचना पर थाना सदर बाजार और एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गाड़ाबंदी की गई और एक एम्बुलेंस जिसपे UP 64T 1324 नंबर लगा हुआ था उसको इंटरसेप्ट किया गया। उसके साथ में एक हरियाणा नंबर की बोलेरो भी थी, इंटरसेप्ट किया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उस एम्बुलेंस के अंदर जैसे एक मरीज को ले रहा था उस तरह से सारी चीज़ें पर्दे इत्यादि लगा के और उस एम्बुलेंस के अंदर से 62 पेटियाँ शराब की बरामद हुई और बोलेरो के अंदर से 9 पेटी। इसी बीच कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, पूर्व सांसद डिंपल यादव आज कन्नौज जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से बताया, जहां पर पूर्व सांसद डिंपल यादव आज कन्नौज जाएंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। तो सपा की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। और इसी में आपको बता दें कि डिंपल यादव कन्नौज पहुंच रही हैं और वो साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठक करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।